वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क एंड सब्जेक्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, न्यूरल नेटवर्क के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क की हिस्ट्री, थोड़ा सा इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले 1943 में, एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क इज व्हाट, न्यूरल नेटवर्क इज द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, एंड न्यूरॉन्स इज व्हाट, इट इज एन सिग्मोइड यूनिट, कैन हैंडल मोर देन वन यूनिट एट ए टाइम, मोर देन वन इनपुट एट ए टाइम। तो न्यूरॉन एक प्रकार का सिग्मोइड यूनिट होती है जो बहुत सारे इनपुट को एक सिग्मोइड फंक्शन से उनका समीशन परफॉर्म करती है। ठीक है, असल में जो न्यूरॉन है ये एक हमारे ह्यूमन बायोलॉजिकल ब्रेन ब्रेन से स्टडीड करके इसको बनाया गया है, तो इसीलिए इसे आर्टिफिशियल न्यूरॉन कहते हैं। और एक से ज्यादा न्यूरॉन जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन इज व्हाट, इट इज अ सिग्मोइड यूनिट, इट कैन हैंडल मोर देन वन यूनिट एट ए टाइम। ये एक से ज्यादा इनपुट को एट ए टाइम हैंडल कर सकता है, ये उनका सिग्मोइड यूनिट उसका समीशन परफॉर्म करती है। और एक से ज्यादा न्यूरॉन के कनेक्शन को हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क की एक यूनिट को हम न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क की एक यूनिट कहलाती है न्यूरॉन। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री। सबसे पहले 1943 में मैकलक एंड पिट ने आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज द डिजाइनर ऑफ द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क। इन मैकलक एंड पिट्स आर साइंटिस्ट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स जिन्होंने सबसे पहले न्यूरोन का मैथमेटिकल मॉडल, जिसे हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं, उसको डेवलप करके प्रस्तुत किया था। 1949 में फर्स्ट लर्निंग रूल इज डेवलप्ड फॉर द न्यूरल नेटवर्क। 1969 में मिनिस्की एंड पेपर्ट, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसे कहा गया परसेप्ट्रॉन लिमिटेशन। ठीक है, परसेप्ट्रॉन न्यूरल नेटवर्क के मॉडल को कहते हैं। मॉडल मतलब आप समझते हैं, मॉडल इज द सेट ऑफ एक्टिविटी। तो न्यूरल नेटवर्क का मॉडल जिसे आप न्यूरल नेटवर्क को इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज परसेप्ट्रॉन। तो परसेप्ट्रॉन लिमिटेशन इन्होंने या परसेप्शन लिमिटेशन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इन्होंने प्रस्तुत किया, इन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो उसे कहा। तो वहां उसके बाद डेथ ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यानी यहां पर 1943 पे रिसर्च शुरू हुई। 1943 में पहला न्यूरल नेटवर्क बनाया गया, पहला न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया गया। उसके बाद 1949 में पहला लर्निंग रूल डेवलप हुआ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए। फिर 1969 में मिन्स्की एंड पेपर्ट ने परसेप्ट्रॉन लिमिटेशन इज अ रिसर्च पेपर, उसको प्रस्तुत किया। तो वहां पर डेथ ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यानी वहां पर रिसर्च रुक गई। 1980 का दशक आते आते इसकी रिमर्जेंस, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ने फिर इसके अंदर एक नई फिर से रिसर्च स्टार्ट हुई, रीइमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वो क्यों हुई, व्हेन मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क इज डेवलप्ड। जब एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम डीप लर्निंग के लिए यूज करते हैं, उसकी उसको डेवलप किया गया, तो तब से लेकर के आज तक इसमें काफी ज्यादा न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रोग्रेस हुई है। यानी 1969 के बाद रिसर्च रुक गई थी न्यूरल नेटवर्क के अंदर। जो एडवांसमेंट थी, रिसर्च क्या करती है, एडवांसमेंट करती है कि नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, नई नई थ्योरीज डेवलप होती है, नए नए फंडामेंटल्स डेवलप होते हैं, तो वो उस रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर रिसर्च रुक गई थी, फिर 1980s में रिसर्च फिर से शुरू हुई। और तब हमारा मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क डेवलप हुआ, जिसे हम डीप लर्निंग के लिए यूज करते हैं। अभी आप आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, तो इसकी जो इंस्पिरेशन है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन। इसकी जो इंस्पिरेशन है वो बायोलॉजिकल नेटवर्क से मिलती है, जैसा कि हमारे ह्यूमन और एनिमल ब्रेन से इसकी स्टडी की गई है। तो खासकर ह्यूमन ब्रेन, देखिए ह्यूमन ब्रेन इज द कॉम्प्लेक्स मशीन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जिसको काफी आज तक भी ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत से ऐसे अनसुलझे, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अभी तक पूरी तरीके से सुलझाया नहीं गया है। ठीक है, तो द ब्रेन हैज, ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं, द ब्रेन ह्यूमन ब्रेन
हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीज बाय द साइंटिस्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ह्यूमन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज है इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स अभी तक, जहां कहीं भी तो जीवन मिला ही नहीं है पृथ्वी के बाहर किसी भी फॉर्म में, लेकिन जहां कहीं पृथ्वी पर भी जीवन की जो सबसे इंटेलिजेंट फॉर्म है वो ह्यूमन है। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सबसे इंटेलिजेंट जो उसका सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कहलाता है ह्यूमन बॉडी का, वो कहलाता है ब्रेन। तो ब्रेन हमेशा बायोलॉजिकल साइंटिस्ट या बायोलॉजिशियंस या डॉक्टर्स, ठीक है, सबके लिए हमेशा ब्रेन बहुत ज्यादा रिसर्च का विषय रहा है, चाहे सर्जरी के पर्पज से, चाहे उसे स्टडी करने के पर्पज से, या उससे मॉडल डेवलप करने के लिए। तो ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड अट्रैक्टिव एरिया फॉर द रिसर्चर्स। तो द ब्रेन हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीज बाय द साइंटिस्ट, वास्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रिवेंट बट ऑल रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग। Even the behavior of an individual neuron is extremely complex. देखिए biological inspiration है neuron के पीछे, ये जो neural network आप जात पढ़ रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं biological neurons, neural network से ही study किया गया है, और इसका behavior, एक single individual neuron का behavior भी human brain के अंदर बहुत ज़्यादा complex है। जैसे आपके सामने ये एक figure बनी हुई है, this is biological neuron, ठीक है। एक न्यूरॉन अपने नजदीकी कई हजारों न्यूरॉन से कनेक्ट रहता है। तो ये ह्यूमन, ये कोशिका है, दिस इज द न्यूरॉन, इससे जो दो न्यूरॉन ये यहाँ पर न्यूरॉन्स की ये कनेक्शन लाइंस हैं, इन्हें एक्सॉन कहा जाता है। जो इसके लॉन्ग कनेक्शन लाइन को एक्सॉन कहा जाता है, शॉर्ट कनेक्शन लाइन को सिनेप्सिस, शॉर्ट कनेक्शन यहाँ ये सॉरी ये जो कनेक्शन लाइन एक तरीके की है इसे एक्सॉन कहा जाता है, और उस कनेक्शन लाइन के बाद जो कनेक्शन डिवाइड होते हैं आप फर्दर, उन्हें सिनेप्स कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और जो नजदीकी क्या बोलते हैं इसके शॉर्ट रेंज कनेक्शंस होते हैं उसको डेंड्राइट्स भी कहते हैं। यानी ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन, एक्चुअली दिस इज द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो लॉन्ग रेंज कनेक्शन को एक्सॉन कहते हैं, शॉर्ट रेंज कनेक्शन को डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है, और जब कनेक्शन फर्दर स्मॉल कनेक्शंस में डिवाइड होता है तो उसे स्नैप्स कहते हैं। तो ये आपके सामने बायोलॉजिकल न्यूरॉन का एक स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन की। देखिए न्यूरॉन जो होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, न्यूरॉन प्रोसेस द डेटा इन पैरेलल फॉर्म, ठीक है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो कई चीजों में इसकी जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सीरियल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है ये बहुत सारी, अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो न्यूरल नेटवर्क कैन हैंडल मोर देन वन इनपुट एट ए टाइम, ये मतलब बहुत सारी इनपुट को एट ए टाइम हैंडल करने में सक्षम होता है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क बहुत सारे इनपुट को एट ए टाइम हैंडल करने में सक्षम होता है। इसे आप न्यूरल नेटवर्क को आप लर्निंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, ठीक है। अब देखिए फीचर्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के अंदर 10^10 न्यूरॉन्स होते हैं, 10^10 न्यूरॉन्स, इतने ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। Each neuron has several thousands of connections. एक न्यूरॉन हजारों न्यूरॉन से कनेक्ट रहता है। न्यूरॉन स्विचिंग several thousands of connections. यानी डेटा न्यूरॉन्स के बीच में स्विच होता है और न्यूरॉन एक न्यूरॉन अपने से 1000 न्यूरॉन्स को डेटा भेज सकता है। इतना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर होता है ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है। न्यूरॉन स्विचिंग टाइम इज ग्रेटर देन 10^-3 seconds, यानी लगभग 10^-3 seconds में ये एक न्यूरॉन से डेटा दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाता है, ठीक है। न्यूरॉन के बीच में डेटा आदान प्रदान करने में, यानी डेटा को स्विच करने में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में 10^-3 seconds का टाइम लगता है। हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड, एक न्यूरॉन हंड्रेड्स ऑपरेशंस को प्रति सेकंड परफॉर्म कर सकता है। डाई ऑफ फ्रीक्वेंटली नेवर रिप्लेस्ड, ये समय के अनुसार मर जाते हैं और कभी रिप्लेस नहीं होते हैं, ठीक है।
क्लियर। फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन में ह्यूमन ब्रेन को मात्र 0.1 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए करोड़ों लोगों, लगभग हजारों लोगों से मिल एक इंसान मिलता है और उसके बाद भी वो उसकी फेस को पहचानने में सिर्फ 0.1 सेकंड का समय लेता है। यानी कितना डेटा है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, फिर भी वो उसको पहचानने में 0.1 सेकंड का समय लेता है बस। यही स्पीच के साथ है, हमने आवाज सुनी हुई है और हम सबकी आवाज अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, ये सब जो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है ड्यू टू अवर ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ड्यू टू अवर ब्रेन। अब देखिए ब्रेन एंड द मशीन, दिस इज द कंपेटिव एनालिसिस। ब्रेन कैन रिकॉग्नाइज पैटर्न एसोसिएट, ठीक है, मशीन ब्रेन कैन इजिली रिकॉग्नाइज द पैटर्न बट मशीन इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। ब्रेन इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ द इनपुट डेटा बट मशीन को चाहिए, मशीन कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन प्रिसाइज डेटा। ठीक है, मशीन द ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, द ब्रेन कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई। ठीक है, बट मशीन इज वेरी इफिशियंट इन लॉजिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन इज नॉइज टॉलरेंस, ठीक है, बट मशीन इज नॉट नॉइज टॉलरेंस। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, जैसे ह्यूमन ब्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन में एक्सपर्ट होता है, ह्यूमन ब्रेन का ब्रेन जो डेटा के एसोसिएशन प्रॉपर्टी के ऊपर काम करता है, ह्यूमन ब्रेन की जो आर्किटेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है और ह्यूमन ब्रेन नॉइज टॉलरेंस होता है। मशीन जो होती है, जैसे हम कंप्यूटर की बात करें तो वो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है। मशीन को तो आप देखते होंगे, मशीन को कैलकुलेशन करने में बहुत कम समय लगता है हमें कैलकुलेशन करने में, क्योंकि हम तो अपने ब्रेन से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें करेंसी कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम पैटर्न्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मशीन को पैटर्न्स को इजीली आइडेंटिफाई, ये एक्चुअली एडवांटेजेस हैं, ये ब्रेन के एडवांटेजेस हैं, ये ब्रेन के की फीचर्स आप कह सकते हो। एक्चुअली दीज आर द की फीचर्स, आप कह सकते हो की फीचर्स, ये ब्रेन के की फीचर्स हैं और ये मशीन के की फीचर्स है। तो मशीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली दिस इज द कंप्यूटर। ठीक है, तो मशीन कैलकुलेशन में ज्यादा माहिर होती है, आप कितनी बड़ी कैलकुलेशन दीजिए मशीन के इजीली सॉल्व इट, हमें टाइम लग जाएगा। मशीन प्रिसाइज डेटा दे सकती है, ठीक है, और मशीन लॉजिकल प्रोसेसिंग कर सकती है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन इज मोर इफिशियंट इन पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, फेस रिकॉग्निशन इसमें सब आ जाता है, पैटर्न रिकॉग्निशन में फेस, वॉइस, स्पीच सब आ जाता है। और मशीन ब्रेन इज बेस्ड ऑन एसोसिएशन ऑफ द इनपुट डेटा। ठीक है, ब्रेन आर्किटेक्चर इज कॉम्प्लेक्स एंड ब्रेन इज नॉइज टॉलरेंस। ब्रेन हमारा नॉइज टॉलरेंस होता है। ठीक है, ब्रेन के जो डेटा, यानी ब्रेन के अंदर जो डेटा प्रोसेस करते हैं उसके अंदर नॉइज एड होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरफेस नहीं होता है डेटा के अंदर। ठीक है, तो ये की फीचर्स हैं ब्रेन के और मशीन के। अब बात करते हैं, देखिए अब आते हैं न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशन की। तो न्यूरल नेटवर्क आर ए डिफरेंट पैराडिग्म फॉर कंप्यूटिंग। एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क आर ए डिफरेंट पैराडिग्म ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब होता है कैलकुलेशन, ये बिल्कुल डिफरेंट पैराडिग्म है कंप्यूटिंग का। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द पैरेलल आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमंस, आर्किटेक्चर ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन ब्रेन्स। जो हमारे पैरेलल आर्किटेक्चर, हमारे दिमाग के पैरेलल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, हमारे या एनिमल्स के पैरेलल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। इन न्यूरल नेटवर्क्स मोर देन वन यूनिट्स वर्क पैरेलल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक से ज्यादा यूनिट एक साथ पैरेलल काम करती हैं किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और न्यूरल नेटवर्क की इंडिविजुअल यूनिट को न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, इन न्यूरल नेटवर्क मोर देन वन यूनिट्स वर्क पैरेलल। पैरेलल का मतलब आप समझते हैं सीरियल और पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि लगातार काम करना। ठीक है, सारी यूनिट्स लगातार एक साथ प्रोसेसिंग करती रहती हैं। लेकिन सीरियल कंप्यूटर्स के अंदर ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, एक यूनिट का आउटपुट दूसरे में फीड होता है, जब पहली यूनिट आउटपुट देगी तो तब दूसरी यूनिट उसे प्रोसेस करेगी। यहां पर सारी यूनिट्स पैरेलली काम कर सकती हैं और एक यूनिट को आप इंडिविजुअल यूनिट इन ए न्यूरल नेटवर्क, इंडिविजुअल यूनिट इन ए न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल इंडिविजुअल यूनिट इन ए न्यूरल नेटवर्क इज ए न्यूरॉन, और इंडिविजुअल यूनिट किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर इंडिविजुअल यूनिट को न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स आर ए फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम, एक प्रकार का ये मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम होता है। यानी आप ये समझते हैं कि एक न्यूरॉन इज लाइक एक प्रोसेसर की तरह है, ठीक है, एक प्रोसेसर की तरह है, बहुत सारे प्रोसेसर एक से कनेक्टेड है। तो यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ द प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स आर ए फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोसेसर, एक प्रकार का मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है जिसके अंदर सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं होते हैं, ये हाई डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन होता है क्योंकि कनेक्शन यहाँ पर बहुत सारे हैं, और इट कैन कम्युनिकेट बिटवीन बाय स्केल सिंपल स्केलर मैसेजेस एंड अडेप्टिव इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स। तो देखिए ये एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क है, यहाँ पर देखिए ये एक न्यूरोन है, ये एक न्यूरोन है, ये हमारा एक न्यूरल नेटवर्क है। देखिए इस ये लेयर्ड फॉर्म में है, इसी को डीप लर्निंग के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं। देखिए दिस इज द फाइव न्यूरॉन्स 4, 3, 2, ठीक है, और ठीक है क्लियर। तो ये हमारा इस तरीके से, ये इनपुट लेयर, मिडिल लेयर, ये हिडन लेयर कहलाती है, और ये आउटपुट लेयर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये न्यूरॉन्स यहां पर ये इनपुट लेंगे और ये न्यूरॉन आउटपुट देंगे, बाकी ये सारे डेटा को एक्सचेंज करेंगे। तो देखिए इसका आउटपुट यहां से इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है, इसको भी है, इसका आउटपुट यहां पे इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस और इस पे भी है। हर न्यूरॉन अपने आगे वाली लेयर के सभी न्यूरॉन से कनेक्टेड है, ठीक है, और हर न्यूरॉन को, हर न्यूरॉन के ये जो कनेक्शन है ये इन पे वेट असाइन होते हैं। तो पहले तो देखिए इनपुट कितनी सारी है, उसके बाद ये जो वेट्स होते हैं, इन वेट्स को भी शिफ्ट करके आप इनपुट का मैग्नीट्यूड, जो आउटपुट है उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ इनपुट और नंबर ऑफ आउटपुट्स कैन बी टेकन फ्रॉम ए स्मॉल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, ये जो कनेक्शन है दो न्यूरल के बीच में, यहां पर वेट असाइन होता है, ठीक है। दिस इज इनपुट x0, x1, x2, x3, x4, यहां पर w0 वेट, w1, w2, w3, w4, यहां पर भी वेट असाइन होते हैं, ठीक है। तो बाय शिफ्टिंग वेट वी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट, ठीक है, अब इसको हम आगे भी समझेंगे। अब बात करते हैं देखिए परसेप्ट्रॉन की, परसेप्ट्रॉन इज एक्चुअली द मॉडल ऑफ न्यूरॉन ऑफ ए सिंगल न्यूरॉन। ये परसेप्ट्रॉन इज द एल्गोरिथम और मॉडल दैट मेक्स इट्स प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन ए लीनियर प्रेडिक्टर फंक्शन कंबाइनिंग ए सेट ऑफ वेट विद द फीचर वेक्टर। असल में परसेप्ट्रॉन एक मॉडल है जिसके थ्रू हम न्यूरल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमारा सिस्टम बायोलॉजिकल है, लेकिन जब तक आप मशीन को उसे एक मैथमेटिकल फॉर्म में, एक मॉड्यूलर फॉर्म में, एक मॉडल की फॉर्म में, एक इक्वेशन की फॉर्म में डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप उसे सिस्टम के अंदर, मशीन के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सिस्टम, हमारा जो ब्रेन है वो बायोलॉजिकल है, लेकिन मशीन जो प्रोसेस करती है डेटा को, वो एक्चुअली कैलकुलेशन बेस्ड है। मशीन को कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो भी थ्योरी, जो भी फंडामेंटल देने होंगे, उसे मैथमेटिकल मॉडल फॉर्म में देने होंगे। तो परसेप्ट्रॉन एक मॉडल है जो आपके इस सिंगल न्यूरॉन को डिस्क्राइब करता है। तो देखिए जैसा कि इसके अंदर एक लीनियर थ्रेशोल्ड यूनिट होती है, ये सिंगल न्यूरॉन है, यहां पर सिग्मोइड यूनिट, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड यूनिट है जो आउटपुट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर सकती है। सिग्मोइड यूनिट नंबर ऑफ इनपुट्स को समीशन को परफॉर्म करती है। तो जैसे हमारा इनपुट है x0, उसका हर इनपुट पे वेट असाइन होते हैं। आप समझ लीजिए ये जो लाइंस आप देख रहे हो ना, इन पे ये आप जो लाइन देख रहे हो, जो न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं, ये सभी इनपुट हैं। और अगर मैं यहाँ पर इनपुट है तो इसमें यहाँ पर वेट भी होंगे, हर इनपुट पे वेट होते हैं, ठीक है। ये हर लाइन के ऊपर W0, W1, W2, W3, W4 इस तरीके से वेट गिवन होंगे। तो आप एक पर्टिकुलर आउटपुट इनपुट को अगर आप इनपुट के वेट को आप चेंज कर देते हो तो उसकी आउटपुट बदल जाएगी। देखिए जैसे यहां पर x0 इनपुट है, उसके साथ उसका एसोसिएट वेट है w0, x1 w1, x2 w2, up to xn wn, तो दीज आर द इनपुट यूनिट।
ये सिंगल न्यूरॉन का आर्किटेक्चर है, मॉडल है परसेप्ट्रॉन, और ऐसे कितने न्यूरॉन एक न्यूरॉन नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए ये सिग्मोइड यूनिट है, तो n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, ये समीशन यूनिट कहलाते हैं, समीशन यूनिट। तो ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है, ये इसे इट इज अ लीनियर प्रेडिक्टिव फंक्शन 0 टू n, जितने इनपुट हम, देखिए ये हमारे ऊपर है हम कितने इनपुट पे किस न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर n इनपुट ही होती है, हम कितने भी इनपुट एक न्यूरल नेटवर्क को दे सकते हैं, तो 0 टू n इनपुट हम दे सकते हैं। तो हमारा सिग्मोइड यूनिट क्या करेगा, उसको समीशन परफॉर्म करेगा wi एंड xi, तो wi इज द वेट एंड xi इज द, हाँ w इज द वेट एंड x इज द इनपुट। तो कैसे xi wi, यानी इस इनपुट की इस वेट के साथ मल्टीप्लाई, यानी x0 w0 प्लस x1 w1 w1 x2 w2 x3 w3 एंड सो ऑन, समझ रहे हैं आप, x0 w0 मल्टीप्लाई दोनों की प्लस x1 w1 x2 w2, इन सबको हम एडिशन परफॉर्म कर देंगे, जो आउटपुट आएगा वो हमारा समीशन के लिए हो जाएगा, समीशन के लाएगा, समीशन का मतलब एडिशन ही होता है, ठीक है। n, ये n टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन हम कितनी भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये होती है हमारी थ्रेशोल्ड यूनिट, थ्रेशोल्ड यूनिट क्या करती है कि जब हमें सिर्फ वोल्टेज फॉर्म में आउटपुट चाहिए होता है, तो ये क्या करेगी, आउटपुट को अगर ये डब्ल्यू आई एक्स आई का जो समीशन है वो जीरो से बड़ा है, जीरो है, जीरो से ग्रेटर देन है, तो ये प्लस वन पास कर देगी। थ्रेशोल्ड यूनिट आप जानते हैं किसी भी सिग्नल की जो जो क्या बोलते हैं जो किसी भी सिग्नल की स्ट्रेंथ को लेवल से ज्यादा ना जाए, इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, यानी थ्रेशोल्ड एक पीक लेवल को कहते हैं कि आउटपुट के लेवल से, ताकि हमारा जो समीशन का जो वेट है उससे ज्यादा ना जाए, जो एडिशन का जो हमारे जो समीशन जो परफॉर्म होगा तो वो एक लेवल से ज्यादा ना जाए। थ्रेशोल्ड यूनिट जरूरी नहीं है कि सभी न्यूरॉन के साथ अटैच होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी कुछ न्यूरॉन के अंदर, ये इतना पोर्शन तो हर न्यूरल नेटवर्क के अंदर होता ही होता है, लेकिन कहीं कहीं थ्रेशोल्डिंग यूनिट को भी अटैच कर दिया जाता है जब हमें सिग्नल जो डिजिटल फॉर्म में हमें प्लस वन या माइनस वन की फॉर्म में आउटपुट चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ये एक्चुअली ये आउटपुट है इसका, लेकिन कहीं कहीं हमें जब प्लस वन या माइनस वन फॉर्म वन फॉर्म में ही आउटपुट चाहिए होता है, तो हम थ्रेशोल्ड यूनिट को भी उसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस वन आउटपुट देगा थ्रेशोल्ड यूनिट जब हमारा डब्ल्यू आई एक्स आई हमारा जीरो से ग्रेटर है, और यानी जीरो है या माइनस में है तब ये माइनस वन पास करेगा, ठीक है, क्लियर। तो इसे थ्रेशोल्ड यूनिट कहते हैं। तो मेनली आपका जो एक न्यूरॉन होता है उसके अंदर इनपुट यूनिट समीशन यूनिट होती है, लेकिन वी यू कैन अटैच ऑल्सो थ्रेशोल्डिंग यूनिट टू कंट्रोल द आउटपुट मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट, आप आउटपुट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए आप थ्रेशोल्डिंग यूनिट भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनपुट यूनिट समीशन यूनिट ये आपका न्यूरल नेटवर्क होता है, यू कैन अटैच ऑल्सो थ्रेशोल्डिंग यूनिट, यानी इतना तो न्यूरल नेटवर्क होता ही होता है, आप और इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो थ्रेशोल्डिंग यूनिट इज नथिंग, इट इज जस्ट टू कंट्रोल द मैग्नीट्यूड। अब अगर आपका समीशन ये आउटपुट जो है वो जीरो से ज्यादा है, जीरो से ज्यादा है तो प्लस वन पास कर देगा, और जीरो या जीरो से कम है या माइनस में है तो माइनस वन पास कर देगा। और समीशन कैसे निकलेगा, x0 w0 x1 w1 x2 w2, इन सबको जोड़ देंगे, समीशन एडिशन परफॉर्म कर देंगे इनका, और इनपुट कितनी भी ले सकते हैं, तीन चार पांच, ऐसा कुछ नहीं है कि n नंबर ऑफ इनपुट होती है। जैसा कि हमारे यहाँ पर इनपुट कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इनपुट ली हुई है हमने, और आउटपुट हमें कितनी परफॉर्म करके दे रहा है, वो टू, क्लियर। आगे एक और न्यूरॉन हो सकता है जिसे हम सिंगल न्यूरॉन लगा सकते हैं जो दोनों को ऐड कर दे, क्लियर। इसे ये मल्टी लेयर न्यूरॉन नेटवर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल की। देखिए, नेटवर्क अडेप्ट एट फॉलोज द चेंज द वेट बाई एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। देखिए, परसेप्ट्रॉन लर्निंग के लिए कैसे यूज होता है, देखिए, डब्ल्यू आई
हम जानते हैं कि हर इनपुट पे वेट एसोसिएट है, ठीक है, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस डेल डब्ल्यू आई, एंड ठीक है, और डेल डब्ल्यू आई इज इक्वल टू एन ब्रैकेट टी माइनस ओ इंटू एक्स आई, टी इज द टारगेट आउटपुट, ओ इज द एक्चुअल आउटपुट और एन इज द लर्निंग रेट। एन की जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट होती है और फिक्स रहती है, ठीक है। अब आउटपुट अब होता क्या है कि जो हमें आउटपुट चाहिए होता है, जो हमें टारगेट आउटपुट हमारा है और एक्चुअल आउटपुट जो है, तो हमारा जो आउटपुट जो करंटली हमारा आ रहा है हमारा न्यूरल नेटवर्क से, उसमें से हम टारगेट आउटपुट जो हमें चाहिए दैट इज टारगेट आउटपुट, और जो हमारा आ रहा है वो एक्चुअल आउटपुट ओ। तो टारगेट आउटपुट में से हम एक्चुअल आउटपुट को घटा करके उतना हम वेट को चेंज कर देते हैं, तो इस तरीके से हम अपने न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है न्यूरल नेटवर्क। देखिए फिर देखिए देखिए वेट का देखिए यहां पर इनपुट फिक्स हो गई, एक बार आपने न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन कर दिया तो आपकी इनपुट फिक्स हो गई बाय शिफ्टिंग वेट। आप वेट को शिफ्ट करके इनपुट के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही हमारे दिमाग में भी होता है, जब हम किसी चीज को फोकस करते हैं तो हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके जो वेट होते हैं वो शिफ्ट होते हैं, इनपुट फिक्स है। आपने देखा है कि हम कभी फोकस करते हैं किसी चीज को ऊपर तो वो हमें ज्यादा समझ में आने लगती है, जब हम फोकस करना छोड़ देते हैं तो वो चीज हमें अच्छे से समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो वो फोकस जो हम कर रहे हैं ना, एक्चुअली वी आर शिफ्टिंग द वेट, ये बायोलॉजिकली शिफ्ट हो रहे हैं वेट, ठीक है। ऐसे ही हमारा जब हमारा दिमाग के ऊपर जोर डालते हैं तो वो एक्चुअली हम बायोलॉजिकली वेट को शिफ्ट कर रहे हैं, जो हमें आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है ना, उसके डिफरेंस के बराबर। तो ये हम बायोलॉजिकली करते हैं, हम मैथमेटिकली हम उसको कैसे कर सकते हैं कि देखिए जो टारगेट आउटपुट हमें चाहिए और जो एक्चुअल आउटपुट हमारा आ रहा है उसके डिफरेंस के बराबर हम अपने वेट को चेंज कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे और, ठीक है। मान लीजिए आउटपुट आ रहा है 10, हमें चाहिए 20, तो टी माइनस ओ तो 20 माइनस 10 कितना हो गया 10, तो 10 हम उसके अंदर वेट के अंदर ऐड कर देंगे। मान लिया आउटपुट हमारा 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, हमें चाहिए 20, तो 20 हमारी हो गई टारगेट आउटपुट, ओ हमारी हो गई एक्चुअल आउटपुट यानी 10, ठीक है। हमारा एक्चुअल आउटपुट अभी कितना आ रहा है 10, लेकिन हमें चाहिए एक्चुअल आउटपुट हमारा वही है जो हमारा आउटपुट हमें न्यूरल नेटवर्क से मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना 20, तो हमारा टारगेट कितना हो गया 20, टारगेट आउटपुट कितना हो गया 20, हमें चाहिए 20 लेकिन हमारा न्यूरल नेटवर्क हमें दे रहा है 10, तो हमने क्या किया 20 माइनस 10 कितना हुआ 10, तो इतना हमने अपने वेट को और इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हमारा न्यूरल नेटवर्क की जो आउटपुट है वो हमारी डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल जाएगी। अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो तो जैसे मान लीजिए न्यूरल नेटवर्क हमें दो आउटपुट दे रहा है, हमें चाहिए 10, तो हमने तो जो हमें चाहिए वो क्या है टारगेट आउटपुट, और जो हमारा न्यूरल नेटवर्क आउटपुट दे रहा है वो एक्चुअल आउटपुट है, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो हमने हमारा जो वेट है, ये एक्चुअली जब आप न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन कर देते हैं तो न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है कि वेट और जो इनपुट्स होती हैं वो प्री सेट कर दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब जब न्यूरल नेटवर्क को यूज किया जाता है तो वो उसकी आउटपुट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है बाई शिफ्टिंग वेट, वेट को बढ़ाया भी जा सकता है, वेट को घटाया भी जा सकता है, इनपुट एक बार फिक्स कर दी गई तो वो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। इनपुट एक बार अगर आपने चेंज न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन कर दिया तो इनपुट आपकी एक बार फिक्स हो गई, इनपुट आपने एक बार न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर दिया तो आप इनपुट को बार बार बदल नहीं सकते न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। लेकिन आप इनपुट के ऊपर नंबर ऑफ आउटपुट आप ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारे आउटपुट ले सकते हो सेम इनपुट के ऊपर, वो किस वजह से आप बाय शिफ्टिंग वेट, और वेट को कितना शिफ्ट करना होता है घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बढ़ाना ही बढ़ाना है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस डेल डब्ल्यू आई, ऐसा नहीं है कि बढ़ाना ही बढ़ाना, घटा भी सकते हैं। तो हमें जो टारगेट आउटपुट चाहिए होता है, जो हमें आउटपुट चाहिए होता है, जो हमारे आउटपुट हमें न्यूरल नेटवर्क दे रहा होता है, उसके डिफरेंस के बराबर हम अपने वेट को, ये वेट जो है देखिए ये इनपुट के साथ एसोसिएट जो वेट है उसको हम या तो बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, और जाहिर सी बात है वेट का मल्टीप्लाई हो रखा है इनपुट के साथ, तो इसका इसका जो जो इसका जो फर्क पड़ेगा वो ओवरऑल आउटपुट के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है।
और ये हम हर हर इनपुट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि एक इनपुट का वेट चेंज कर दूंगा तभी मेरा आउटपुट चेंज हो जाएगा, और तो मैं सारी का अगर अलग अलग चेंज करूंगा तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन मुझे आउटपुट के मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक इनपुट को ही चेंज कर सकता हूं, मैं एक इनपुट सारे इनपुट को एक साथ भी चेंज कर सकता हूं और अलग अलग करके भी चेंज कर सकता हूं। एक साथ करूंगा तो भी मेरा आउटपुट चेंज हो जाएगा, और मैं अलग अलग चेंज करूंगा तभी मेरा आउटपुट चेंज हो सकता है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट नंबर ऑफ आउटपुट्स कैन बी टेकन फ्रॉम द न्यूरल नेटवर्क, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूरल नेटवर्क के ऊपर लेक्चर। ये बड़ा ही टिपिकल टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क, ये इतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। आई होप इसको समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई चीज रह जाए तो यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू जूम ऐप, यू कैन इजीली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। आप व्हाट्सएप के माध्यम से सीख सकते हैं, जूम ऐप से भी आपको मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार आपको नोट्स दिखा देता हूँ, थैंक यू।